बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रमन नाम के एक फल बेचने वाला था। एक बार रमन अपने फलों की टोकरी लेके बेचने के लिए जा रहा था, तभी वो देखा एक साधु उसकी तरफ आ रहा है। साधु आके बोला, हे वत्स, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, हाँ मैं आपको खाने के लिए ये आम दे सकता हूँ, ये लीजिए, ये आम खाइए। साधु ने वह आम लिया और बड़े मजे से खाया। बड़े आनंद आया, ठीक है, तुम जैसे मेरे आज मदद किया, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। ए लो, एक जादुई नक्शा, जब तुम इस नक्शा की अंतिम दिशा तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें एक झरना दिखेगा। उस झरने के पास तुम्हें जाके ये कहना है। साधु ने रमन की कानों पे दो मंत्र बताया, एक उस झरने के अंदर जाने के लिए और एक वहां से निकलने के लिए। पेड़ों के पीछे से हरी उन दोनों की ये सब बातें सुन रहा था। जादुई नक्शा, इसका मतलब कुछ तो जादुई खजाना भी होगा, ठीक है, इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। रमन वो नक्शा लेके खुशी खुशी अपने घर गया, जाके अपनी पत्नी को सारी बातें बताया। पत्नी वो सुन के बहुत खुश हुआ और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर हमको वो खजाना मिल जाते तो आपको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, कल सुबह होते ही मुझे उन नक्शा की ओर रवाना होना है। अगली सुबह होते ही रमन ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और हाथों में नक्शा लेके जादुई खजाने की तरफ चल दिया, और उसके पीछे छुप छुप के हरी भी जा रहा था। ये रमन को बिल्कुल पता नहीं था, बहुत सारे घने जंगल, नदी और पर्वतों को पार करते हुए आखिरकार रमन उस मंजिल तक पहुंच ही गया। उसे दूर से एक विशाल सा झरना बहते हुए दिखाई दिया। तभी उसे उस साधु की मंत्र याद आ गया। वो झरने के पास गया और कहा, झरना झरना और नहीं बहना, रास्ता छोड़ो अंदर जाना। तभी झरने के पानी रुक गया और अंदर से एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खुल गया। जैसे ही रमन अंदर गया, वो दरवाजा बंद हो गया और झरने के पानी फिर से बहने लगा। हरी बाहर से ये सब देख रहा था और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ये मंत्र है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसे जाने दो, उसके बाद सारे खजाना तो हम लूटेंगे। रमन अंदर गया, अंदर जाके देखा हर तरफ सोना हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। ये देख के रमन बहुत खुश हुआ और एक बस्ते में अपने जरूरत के हिसाब से सोना भर लिया और दरवाजे के पास आके दूसरा मंत्र बोला, खुल जा पत्थर की द्वार, मुझे जाना है उस पार। ये बोलते ही दरवाजा फिर से खुल गया और वो बाहर आ गया। रमन के जाने के बाद हरी उस झरने के पास आया और कहा, झरना झरना और नहीं बहना, रास्ता छोड़ो अंदर जाना। ये बोलने के बाद फिर से दरवाजा खुल गया और हरी अंदर गया। अंदर जाते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। हरी देखा उसकी हर तरफ सोना ही सोना है। ये देख के हरी पागल हो गया, सारे सोना मैं बस्ते में भर के लेके जाऊंगा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ये सोच के वो सारे बस्ते में सोना भरने लगा। सोना भरने के बाद जैसे ही बाहर आने की कोशिश किया, देखा दरवाजा बंद है। फिर से वो वही मंत्र बोला, झरना झरना और नहीं बहना, रास्ता छोड़ो अंदर जाना। ये बोलने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अरे ये क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहे? शायद इसमें हमें बोलना है बाहर जाना। ठीक है, मैं यही बोलता हूँ, झरना झरना और नहीं बहना, रास्ता छोड़ो बाहर जाना। ये भी कुछ काम में नहीं आया। अभी हरी बहुत डर गया और वो जोर जोर से रोने लगा। उसे अंदर जाने का मंत्र तो पता था,
पर बाहर आने का नहीं, वो हमेशा के लिए अंदर ही रह गया। इसलिए कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। Please subscribe to this channel for more videos. Thank you.